लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषणा के बाद सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सारण से हैट्रिक जीत दर्ज किया। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा बुधवार को परसा भाजपा कार्यालय पर हैट्रिक जीत की उपलक्ष्य में खुशी जाहिर किया। कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, अबीर गुलाल लगाकर तथा आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, प्रभु कुंवर, अमित सिंह, भूलन सिंह, संतोष शर्मा, चंदन सिंह, विकास कुमार, गया सिंह, सरोज सिंह, राम बाबू राय, अजय नाथपुरी, शैलेश गिरी, नीतीश कुमार, रघु राय ने हैट्रिक जीत पर जश्न मनाते हुए नारेबाजी किया। मालूम हो कि सारण से राजीव प्रताप रूडी ने राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य को लगभग 13,000 मतों से पराजित किया था। राकेश सिंह ने कहा कि सभी ग्रामीणों की सहयोग आशीर्वाद से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने हैट्रिक लगाकर सारण संसदीय क्षेत्र का इतिहास बना दिया। उन्होंने सारण की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सारण में न्याय के साथ सबका विकास के साथ विकास जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बातें कही। डी एलिवेन टीवी के लिए परसा से सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। का ही देन है कि आप देख रहे हो किस प्रकार का संघर्षीय जातीय उन्माद फैलाने का भी काम चला है। डराने धमकाने का और ठीक करने तक का भी धमकी लोगों को दिया गया। खासकर यह बात परसा में अत्यधिक हुआ, जिसको भी वोट नहीं देना है उसको ठीक कर देंगे, लेकिन परसा की जनता ने और छपरा की जनता ने वैसे ठीक करने के वालों को गाल पर एक तमाचा मारा है और उसकी यह जीत है जिसको हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता जितेंद्र भूलन जी जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, अजय नाथपुरी जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, शैलेश गिरी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, विकास जी हैं, चंदन जी हैं, गया जी हैं, प्रभु कुंवर जी हैं, धूमल सिंह, संतोष जी, राम बाबू राय और लखिंदर माझी, तमाम सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से गुलाल अबीर लगाकर कार्यकर्ताओं को शुभकामना दी है और सभी से आग्रह किया है कि जीत को जो वोट दिया उसका भी सांसद है राजीव प्रताप रूडी, जो नहीं दिया उसका भी सांसद है राजीव प्रताप रूडी। हम लोग इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और सबका साथ सबका विश्वास पर चलने वाले लोग हैं। बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार यहाँ जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नगर हो या पूर्वी मंडल हो, संयमित हमारे कार्यकर्ता थे, सबका सुने, अपने काम पर लक्ष्य पर हम लोग निशाना रखे थे। अर्जुन के तरह सिर्फ हम लोग आँख का निशाना किए हुए थे, जिसका परिणाम कल हम लोग को मिला और राजीव प्रताप रूडी जी हैट्रिक लगाए। कोई जुटे हुए नहीं थे, सारे लोग जुटे हुए थे। ये पांचवी बार सांसद बने हैं सारण से, जो है सो कि उनकी पांचवी बार जो है सो कि संसद की जीत हुई है और ये राजीव प्रताप रूडी की जीत नहीं है, ये सारण की जनता की जीत है। उन्होंने जो है सारे जनता ने धन मन धन से जो है सो कि अपना निशाना लगाए हुए था कि हमको जो है सो कि लक्ष्य भेजना था कि हम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, उन्होंने सुनिश्चित किया है।